हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं PUBG PC Lite के बारे में। यहाँ पर मैंने इस गेम के ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता दूं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप इस गेम को कैसे इंस्टॉल करें, और उसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने काफी सारे लो एंड GPUs को टेस्ट किया था इस गेम पर, और आपको ये बताया था कि किस GPU पे किस सेटिंग पे कितने FPS मिलेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन रहा था उस जगह पर, हमें ये पता चला था कि जो है ये गेम लो एंड GPU के हिसाब से या लो एंड सिस्टम के हिसाब से काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं जो है इसी गेम को टेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर PC या ग्राफिक्स कार्ड पर नहीं, बल्कि अपने पुराने वाले लैपटॉप पे। जब मैं कॉलेज पे था तो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था सन 2014 में, जो कि लगभग आज से करीब 5-6 साल हो चुका है उसको लिए हुए मुझे। तो उस टाइम पे मैंने एक लैपटॉप परचेज करा था जो कि था i5 4th जनरेशन, 4GB की रैम और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता था, वो था इंटेल का। हालांकि डेडिकेटेड GPU भी है उसमें, जो कि है एनवीडिया का 720M। 720 में बहुत ही ज्यादा लो एंड GPU है, और मैं मानता हूँ आज का इंटेल का जो बेसिक iGPU है उससे भी कई गुना पीछे है। मिसाल के तौर पे अगर मैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, तो आप 720p लो सेटिंग पर भी GTA 5 नहीं खेल सकते 60 FPS पे। आपको कॉन्स्टेंटली फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिलेंगे, आपको स्टटरिंग और लैग भी देखने को मिलेगा। तो अब एक चीज यहाँ पर जरूर क्लियर हो जाती है कि भले ही लैपटॉप में आपको i5 देखने को मिल रहा हो, लेकिन वहां पर आपको 4GB की रैम और बहुत ही ज्यादा वीक डेडिकेटेड GPU देखने को मिलता है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसी वीडियोस डेली बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसी डेली टेस्टिंग मुझे करनी पड़ती है। तो अगर आप इस मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर 94,000 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट हो गए हैं, और 1,00,000 सब्सक्राइबर होने में केवल 6,000 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो यार फटाफट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर इस गेम को टेस्ट करने वाला हूँ, क्या ये गेम हमारे 5-6 साल पुराने लैपटॉप पर चलता भी है या नहीं, और अगर चलता है तो आप इसको कितनी लिमिट तक पुश कर सकते हैं, मतलब कि कितने ग्राफिक्स पर और कितने FPS तक आप अचीव कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, इस गेम को टेस्ट करते हैं। लैपटॉप की तरफ जाने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में, जो कि है 1xBet। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। 1xBet एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप काफी बड़ा अमाउंट भी जीत सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप केवल स्पोर्ट्स पर ही नहीं बल्कि ई स्पोर्ट्स पर भी बेटिंग कर सकते हैं, और अगर आप अभी अकाउंट क्रिएट करके अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो 1xBet वाले आपको $100 बोनस भी देंगे, और यहाँ पर आपका जीता हुआ अमाउंट आप इजिली विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाकर इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। नाउ अपने लैपटॉप की तरफ, आप लोग का टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर गेम को जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग जो इस गेम को मल्टीपल सेटिंग्स पर चलाते हैं, सबसे पहले वेरी लो पे चलाएंगे, फिर नॉर्मल पर चलाएंगे, और फिर एक बार हाई भी ट्राई करके देख लेंगे कि यहाँ पर आपको FPS जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेटिंग्स पे गए आप, वेरी लो पर ऑलरेडी अप्लाई मैंने कर रखी है, और सेटिंग्स पर ही मुझे जो है 60+ FPS मिल रहा है। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, इसलिए जो FPS है वो उसमें 10% ड्रॉप आ गया है। डोंट वरी, मैं फ्रैप्स का जो है रॉ FPS भी आपको मेंशन करा दूंगा कि बिना रिकॉर्डिंग के भी कैसा मिलता है यहाँ पर आपको FPS। अभी काम करते हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी बहुत गंदे FPS मिल रहे हैं, शायद सॉफ्टवेयर की वजह से मिल रहा है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल FPS भी मेंशन करा दूंगा कि वहाँ पर आपको तब कितने FPS देखने को मिलते हैं। इनिशियली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपको फ्रेम रेट मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी कंसिस्टेंट हैं। भले ही फ्रैप्स में आपको दिखा रहा हो कि 40-50 के बीच जंप कर रहा है, लेकिन रियलिटी में बताऊं ये जो फ्रेम रेट है वो अबव 60 है जी। नाउ हम लोग एक काम करते हैं, अपनी सेटिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम लोग ने वेरी लो पे देख लिया, हम लोग को 60-70 के बीच FPS मिले, जो कि काफी प्लेबल है। वे काम करते हैं और मीडियम पे ही प्ले करके देख लेते हैं। आप ऊपर फ्रैप चल रहा है उस पर मत जाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से उसमें FPS लो दिखा रहा है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग को वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन जो मैं एक्चुअल एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी स्मूथ दिख रहा है मुझे। जहाँ पर आपको किसी भी तरीके का अभी तक फिलहाल फ्रेम ड्रॉप तो मुझे देखने को नहीं मिला है, और एटलीस्ट मैं मानता हूँ इस सेटिंग में तो आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं। एक काम करते हैं, और ये सेटिंग तो काफ़ी प्लेबल है, आप सेटिंग्स को एटलीस्ट थोड़ा बहुत मीडियम तक तो ले ही जाते हैं,
और फिर देखते हैं यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम लगा लिया है, हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा FPS ड्रॉप हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पर गेम जो दिखने में काफी अच्छा है और इतना भी ऐसा नहीं है कि आप खेल नहीं सकते हो। आपका यहाँ पर जो FPS मार्क रहता है वो लगभग 50 के आसपास रहता है और जो कि काफी प्लेबल है। इतने पुराने लैपटॉप से मैं मानता हूँ आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो यार अब एक काम करते हैं, सेस को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे देखते हैं। वेल तो दोस्तों ये थी ओवरऑल FPS जो कि आपको मिल जाते हैं इतने पुराने वाले लैपटॉप में, और ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि आप इस गेम को इतने पुराने लैपटॉप पे इतने वीक GPU होने के बावजूद भी आप 60 FPS पर इस गेम को एटलीस्ट फुल रेजोल्यूशन पर तो खेल ही सकते हैं, और मैं मानता हूँ अपने पुराने लैपटॉप से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वेल तो दोस्तों ये इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अब तक देखने के लिए थैंक यू।